22 जनवरी को राम मंदिर में प्रभु रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, जिसको लेकर तैयारियां और सियासत दोनों जोरों पर है। दरअसल दिल्ली सरकार ने जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली की सभी विधानसभाओं में अब हर महीने के पहले मंगलवार को सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया जाएगा, जिसके बाद AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले आम आदमी पार्टी हर महीने दिल्ली के अलग अलग स्थानों पर सुंदरकांड पाठ का ऐलान कर चुकी है। आपके इस फैसले पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी भाजपा की राह पर चल रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और उनकी सरकार ये तय की है कि हर ट्यूसडे को वो सुरेंद्रकांड किताब पढ़वाएंगे, हनुमान चालीसा पढ़वाएंगे। तो उस पर मैंने ये किया है कि भाई आप लोग बीजेपी से क्या डिफरेंट है, आप में बीजेपी आरएसएस में कोई फर्क नहीं है। आप इनका हिपोक्रेसी देखिए कि कोई कह रहा है कि मैं सरयू नदी में चले आऊंगा, कोई कह रहा है कि राष्ट्रपति को नासिक आया जाए, कोई कह रहा है कि ये पाठ पढ़ाया जाएगा शिक्षा सेंटर में और जहां पर अस्पताल में पढ़ाया जाएगा। तो आप तो नरेंद्र मोदी की राह पर चल रहे हैं, जो वो कर रहे हैं आप वही करना चाह रहे हैं, तो आप में बीजेपी आरएसएस में क्या फर्क रहा है। वहीं आगे ओवैसी ने देश के मुस्लिम समुदाय से अपील करते हुए कहा कि आप लोग इस खेल को देखें कि कैसे हिंदुत्व की राजनीति को अपनाया जा रहा है। मैं इस देश के मुसलमानों से अपील कर रहा हूं कि आप लोग देखिए ये जो खेल हो रहा है इसमें क्या हो रहा है, बताइए। कॉम्पिटिटिव हिंदुत्व की पॉलिटिक्स को अपनाया जा रहा है। अगर अभी भी इस देश के सेकुलर जहन रखने वाले हमारे हिंदू भाई और मुसलमान जो इसको नोटिस नहीं लेंगे तो फिर नुकसान किसका होगा। बता दें AIMIM चीफ ओवैसी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट लिखा है कि आरएसएस का छोटा रिचार्ज ने फैसला लिया है कि दिल्ली की हर विधानसभा क्षेत्र में हर महीने के पहले मंगलवार को सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया जाएगा। यह फैसला 22 जनवरी के उद्घाटन की वजह से लिया गया है। आपको याद दिला दूं कि ये लोगों ने बिल्किस बानो के मसले पर चुप्पी बनाए रखी थी और कहा था कि वो सिर्फ शिक्षा और सेहत जैसे मसलों पर बात करना चाहते हैं। क्या सुंदरकांड पाठ शिक्षा है या सेहत? असल बात तो यह है कि इन्हें इंसाफ से परहेज है, संघ के एजेंडे का पूरा साथ दे रहे हैं। हम बावरी की बात ना करें, आप न्याय मोहब्बत फलाना का बाजा बजाते रहो और साथ में हिंदुत्व को मजबूत करते रहो। गौरतलब है कि 22 जनवरी को होने जा रही राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश में सियासत भी जारी है। कांग्रेस और आप सहित विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे का राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। माना जा रहा है कि हर महीने के पहले मंगलवार को सुंदरकांड और हनुमान चालीसा कराने का फैसला आम आदमी पार्टी ने राम मंदिर के मुद्दे पर बीजेपी से पिछड़ने के डर से लिया है। बहरहाल ओवैसी के इन बयानों पर अभी तक आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि ओवैसी के इन आरोपों पर आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या रिएक्शन सामने आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया के ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।